गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत मैं कर रहा हूँ हावड़ा एसी से। आज का व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ हावड़ा एसी से। तो अभी सीन क्या है कि अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो जब भी हम लोग हावड़ा एसी आते हैं तो भैया का चाय पीकर ही जाते हैं। ठंड है यार यहाँ पे, बहुत ठंडा है आज भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं और भी सारे जगह से मतलब बहुत लोगों से बात हो रहा था मेरा, गोवा में ठंड है ही नहीं, मुंबई में ठंड है ही नहीं, दिल्ली में भी आया है लेकिन उतना भी नहीं आया है, कोलकाता में इस बार भाई जबरदस्त ठंड पड़ गया है। लास्ट ईयर हम लोग इस टाइम दिल्ली में थे, जो ठंडा पड़ा था हम लोग, हम ही लोग जानते हैं, बाइक चला नहीं जा रहा। वो जो हम लोग बुलेट रेंट किए थे ना, तो लास्ट ईयर इस टाइम हम लोग दिल्ली में थे। फिलहाल अभी भाई अपना चाय पीते हैं और फिर यहाँ से आज बहुत मन कर रहा है, पता है क्या खाने का, ये जो ठंड है ना, गर्मा गर्म मुगलाई पराठा मिल जाए ना, देखते हैं। वो अपने स्लीपर बेड को पूछो ना, वो बनाता है कि नहीं बनाता है, पूछते रहते हैं। वो जो है ना जहाँ पे हम लोग स्लीपर बेड में जाके वो क्या खाते हैं, लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप, वहाँ जाकर खाने का ना मजा अलग है, क्योंकि वहाँ पे आराम से बैठ के एक तो वीडियोस हो पाता है, मस्त अपना साइड में सीट में बैठ जाते हैं हम लोग, बट वो शायद बनाते नहीं हमको लग रहा है, पूछ लेते हैं एक बार, पूछ लेते हैं, अगर वो बनाते हैं तो ठीक है वहीं चले जाएंगे, नहीं तो कहीं और जाते हैं, वहीं का दिखाते हैं आपको। इनका चाय में एक चीज नोटिस करना, ज्यादा गाढ़ा दूध का चाय नहीं होता है, पतला होता है लेकिन चाय पत्ती ज्यादा, चाय पत्ती ज्यादा देता है और वो मतलब नींद खोलने वाला चाय होता है ये, अब बढ़िया चाय होता है। वो देखो दूर में मेरा स्कूटी रखा हुआ है, एक्चुअली उसका भी सर्विसिंग का टाइम आ गया है, 800 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया यार, 5000 दिया था, 800 एक्स्ट्रा हो गया। रुको उससे बात करते हैं। और मायापुर से भी एक इन्विटेशन आया है, उसका क्या करना है यार, हमको बहुत मन था मायापुर जाने का, मेरा एक ड्रीम था मायापुर जाने का यार, मेरे को भी जाना है और वो भी मायापुर से इनवाइट भी किया, तो मतलब वहाँ का वन ऑफ द नहीं बेस्ट है। छोड़ो, उसका प्रॉपर्टी में गए, उसका प्रॉपर्टी में गए हैं, इनविटेशन भी था लेकिन अब क्या करें, ऐसा टाइम में किया है इनविटेशन, देखते हैं क्या हो सकता है, फिलहाल चाय पीते हैं अपना। सबसे पहले तो हम लोग गए सीपन बैठ, गए नहीं एक्चुअली, हम लोगों ने फोन करके पता किया, उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग कोई भी मोगलाई वगैरह नहीं बनाते हैं। तो वहाँ से निकल के अभी हम लोग आ गए स्प्लैनेट, और स्प्लैनेट अगर आप आते हो मोगलाई के लिए आपको पता है क्या फेमस है, अनादी यहाँ पे लोग बोलते हैं, ये बहुत फेमस है मोगलाई के। ये देख लो, ये ले भी लिया हम लोगों ने, आके हम लोगों को कितना 20-25 मिनट बैठना पड़ा, क्योंकि वो सब्जी खत्म हो गया था, मेन डिश का सब्जी होता है ना, खत्म हो गया। देख लो ये मोगलाई है कुछ इनका, खाते हैं और बताएंगे ये दुकान के बारे में, मतलब जो हम लोग 20 मिनट बैठे हुए थे, ये 20 मिनट में हम लोगों ने क्या क्या खेला है, बहुत कुछ भाई, मतलब बाहर जाकर बताएंगे अभी अंदर नहीं, क्योंकि सब मेरे को ही देख रहे हैं, मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, सभी का ध्यान मेरे ऊपर है। यहाँ का मोगलाई नो डाउट बहुत अच्छा होता है, अभी भी बोल रहा हूँ बहुत अच्छा होता है, बाहर जाके बाकी का बात करते हैं। हम लोग बोला खत्म होगा तो फिर रहा है यार, लोगों को गरम करके मतलब वापस से डबल फ्राई करके मिला है, खैर छोड़ो जो है खाते हैं। तो ये मुगलाई खा रहे हैं इनका, हालांकि इन्होंने दोबारा फ्राई करके दिया है लेकिन टेस्टी लग रहा है, बढ़िया है। हमने खाना था वो डबल अंडे वाला, लेकिन वो बोले कि अभी बनेगा नहीं क्योंकि अंदर का जो स्टफिंग होता है ना वो खत्म हो गया था। चलो जी वहाँ से खा के तो निकल गए, और भाई नो डाउट मुगलाई बहुत बढ़िया था उनका। और ये अपने स्प्लैनेट मार्केट है, देख लो पूरा एकदम मस्त, विंटर का शॉपिंग वगैरह करना है तो आ सकते हो, यहाँ पे कलेक्शन अच्छा मिल जाएगा आपको। बाकी वो मुगलाई जहाँ हम लोग खाने गए थे वहाँ का स्टोरी आपको बाद में बताएंगे, पहले अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ देख लो ये अपना ओबराय होटल, और उसके जस्ट पास में देख लो कैसा पूरा मार्केट, अभी तो पूरा वो आगे जाएंगे ना वो क्रिसमस वाइब्स पूरा आएगा। और एक तो चीज क्या बोलो तो कोई अभी ये भी नहीं चल रहा है, खाली क्रिसमस के लिए भीड़ हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग हमेशा ऐसा ही चलता रहा, ये जो देख रहे हैं ऐसी भीड़ आपको हमेशा मिलेगा, और जैसे सरोजनी नगर दिल्ली का लड़की लोगों का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। तो बस ऐसे ही अभी मार्केट घूम रहे थे, और सच बता रहे मुझे पता ही नहीं था कि इस प्लैनेट में भी एक बारबेक्यू नेशन आ गया है, हमको भी नहीं पता था यार बारबेक्यू नेशन के बारे में। क्या भाई बारबेक्यू नेशन से कोई देखता है तो इनवाइट कर लिया करो यार, शायद हो सकता है, नहीं यार शाम का नहीं तो डिनर का टाइम हो गया। इस वाले एरिया का सबसे गंदा बात क्या मालूम है, यहाँ पे तुम्हें पार्किंग नहीं मिलेगा, मेन दिक्कत है यहाँ। आ रहे हो ऐसे घूमते घूमते आ गए चले गए तब ठीक है, बाकी देख लो यहाँ पे लड़कियों के लिए काफी कुछ है, ये मार्केट ही है मतलब मैं बोल सकता हूँ लड़कियों के लिए, लड़की लोगों के लिए हेवन है, हेवन बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख लो पूरा मार्केट घूम के देख लो। हाँ जी, तो अभी हम लोग वहाँ से तो निकल गए हैं मार्केट वगैरह घूम कर, मतलब आज जो मार्केट में भीड़ था। हाँ, तो वो जो रेस्टोरेंट की बात मैं कर रहा था ना, अनादी का, अनादी, हाँ पहले तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे बैठे हम लोग, और बैठने के बाद सबसे पहले मतलब ये लेके शायद हमारा तीसरा विजिट था, एक बार तो हमें मिल गया था, दूसरा विजिट में वो तो डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं है, तीसरा विजिट मतलब आज था हम लोग गए, मतलब अभी एंटर भी नहीं किया दुकान में, टाइम लगेगा अभी होने टाइम आ जाए, कौन होवे ना मोगलाई होवे ना कौन, हम बोले कितना टाइम लगेगा, ओ 20-25 मिनट लगेगा, मतलब वो चाह रहे थे बैठे ही ना निकल जाओ, मैं बोला कि चलो बहुत दिन हो भी गया खाने का मन भी है वेट कर लेते हैं 20 मिनट। अब उसके बाद क्या हुआ, लाइक हम लोग क्या डबल टीम का बोल रहे थे ना, डबल टीम बोल रहे थे, हाँ तो बोला ना शेष होएगा जी, शेष होएगा जी, तो बोला शेष होएगा जी और कुछ हो ना, मतलब खत्म हो गया और कुछ होगा भी नहीं। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ जब बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, फिर नया बना भी रहे वो अलग से, हम लोग पूछे भी किया था आप, तो बोले खत्म हो गया, तो बोले ना वो सिंगल टीम ही बनेगा, कोई भी चीज आप कुछ भी उनसे पूछो लाइक उसका एकदम टेढ़ा आंसर, दादा ये होगा ये मिल जाएगा ना वो
ओवन है जहाँ चाहिए ही आ चाहिए। मतलब कहने का मतलब आप फ्री में आए हो क्या खाने जो के है वही है, मतलब जो हाफ फ्राई करके रखा था इसको उसको डबल फ्राई करके हम लोगों को दिया। हाँ। उसी टाइम मैं बोला कि दादा तुम ही तो बोल ले शेष होएगा जे तले ओगुलो भेजे दिच्छो तले मतलब डबल टीम कर दिया था। हाँ। बोला ना मसला मसला खत्म मसला खत्म हो गया। मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उनका कहने का मतलब है ना नहीं, मतलब उनके मुंह से हम कोई भी चीज हाँ सुना ही नहीं। फिर जब देखा उन्होंने मैं वीडियो वगैरह कर रहा हूँ उसके बाद क्या ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद हाथ धोने वाला बाउल मेरे को वो बाहर भी नहीं जाने दिया हाथ धोने के लिए, वो एकदम टेबल पे वो गर्म पानी का बाउल लेकर रख दिया। फिर एकदम पूरा टिश्यू वगैरह अच्छे से पकड़ा कर सर आर किचू लागे ये वो हम बोले भगवान देख लेना अगर आप जा रहे हो उनका जो है ना ऐसा ही थोड़ा रूट टाइप का आपको लगेगा, लेकिन हाँ खा लेना बढ़िया है। अंदर का जो मुगलाई है ना वो बहुत बढ़िया बहुत है खाना। टेस्टी टेस्टी भी है नाम भी है और चम्मच बज रहा था गमछा, इसलिए मैं तो हाथ से ही खाया। मैं बोला हाथ वाला जम्स मैं खा लूंगा लेकिन वो चम्मच नहीं, वो जो साइड में ऐसे टाल टाइप का लिए हुए थे ना उसी में वो हाथ पहुंच रहे हैं मुंह पहुंच रहे हैं फिर उसी में चम्मच भी पहुंच रहे हैं। अगर आप थोड़ा हाइजीनिक टाइप के बंदे हो मतलब ये सब चीज ध्यान तब तो आप वहाँ नहीं खा पाओगे 100% श्योर। अपना प्लेट और वो और उनका कढ़ाई में दिखाना भूल गया भाई, आदम जमाने का कढ़ाई है इनका, एकदम कढ़ाई पूरा एकदम काला हो गया कढ़ाई उनका। मतलब यार ठीक है बहुत पुराना साथ 105 साल पुराना है ना, 105 साल पुराना रेस्टोरेंट है लेकिन थोड़ा बहुत तो अपग्रेड करो यार, मतलब अंदर में कुछ तो सामान वगैरह भी अपग्रेड कर लो ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है बढ़िया रेस्टोरेंट है। स्टाफ लोगों को भी भाई कोई मतलब ही नहीं है कौन कस्टमर है क्या नहीं है, वो स्विच बोर्ड में लग रहा है 4-5 साल से साफ नहीं हुआ वो जो पूरा एकदम फैन में साइड में जो नहीं जम जाता है गंदा वैसे गंदा जमा हुआ था उसमें। खैर कोई बात नहीं अपग्रेडेशन का जरूरत है लेकिन यही खाना अच्छा है इसलिए लोग इतना भीड़ लगाते हैं। लेकिन कब तक कब तक अगर ऐसे अगर मान लो हर किसी को अगर ऐसे ही अगर करते रहोगे तो फिर एक टाइम ये भी आएगा कि लोग जाना बंद कर देंगे वहाँ पे। सिर्फ खाना टेस्ट से भी नहीं होता है, आपका थोड़ा सा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कैमरा उठा के सिर्फ उसी को अच्छा बिहेवियर दिखाओ, हर किसी के साथ वो हर देख रहे थे हर किसी से ऐसा बात करा था वो मैंने आईकॉन टाइम लगा दो आदमी ना तीन आदमी तो भाग ही गया वो डायरेक्ट, मतलब वो ऐसे भी नहीं बोल रहे कि दादा आसो आईकॉन टाइम लगे 20 मिनट वेट करते हो, मतलब 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। वो आते ही होवे ना एकुन परे आसबे होवे ना आधे घंटा लागबे एकुन होवे ना भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग खाना था इसलिए हम लोग बैठ गए, तो ये रात ज्यादा हो गया कितना हो गया अभी रात का देख लो 10 बज गया जाते हैं घर, ठंड भी ज्यादा हो गया अभी बढ़ गया। आज थोड़ा ठंड है कलकत्ता में, आज है कल भी तो था कल भी था यार 14 था रात में आज 11 है। हाँ जी अभी तो मैं घर आ गया हूँ। एक्चुअली अभी सीन क्या है ना कि मुझे निकलना पड़ेगा बाहर और कल शायद हो सकता है मुझे जाना पड़े, बट दिक्कत क्या है कि जहाँ जाना है वहाँ का मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, मैं तो खुद से नहीं कर पाऊंगा देखूंगा, कोई अगर है ऐसा जो मेरा टिकट बना दे तो ट्रेन का ही टिकट चाहिए। तो हाँ जी आपको एक ट्रेन ब्लॉग भी मिलने वाला है लेकिन पहले टिकट मिल जाए वहाँ का देखो क्या होता है क्या नहीं, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज वाला जो एक्सपीरियंस था ना थोड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू शेयर किया। आप भी एक बार जाओगे जाना जरूर, बहुत अच्छा होता है मुगलाई वहाँ का, लेकिन अच्छा सर्विस का उम्मीद मत रखना, मतलब जो मिल जाए वही सही। तो चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो का ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटा ही वीडियो था लेकिन कल का वीडियो अगर टिकट मिल गया तो कल आप लोगों को एक ट्रेन ब्लॉग देखने मिल सकता है, अगर नहीं मिला फ्लाइट ब्लॉग कुछ तो आएगा, कल ट्रैवल ब्लॉग ही आएगा इतना मैं बोल देता हूँ, क्या आएगा क्या नहीं वो कल वाला ब्लॉग में आप देख लेना। फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।